वालेकुम। आपको कौन अच्छा लीडर लगता है जी? इमरान खान। इमरान खान जी अच्छा नहीं लगता। इमरान खान क्यों अच्छा लगता है आपको? हाँ वो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है जी जी। क्यों अच्छा लगता है ये वजह? अच्छा बस लगता है, दिलेर लीडर है। खामे पार्टी के हालात है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात सुने बात सुने। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, लोग भाग रहे हैं। भाई जान बात सुने। हाँ जी भाई, वोट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान का? हाँ जी। खुदा के बंदे, इस्तखामे पार्टी के जलसे में आगे वोट इमरान खान का देना जी। इमरान खान को है। इमरान खान को क्यों वोट देना है? इमरान खान को वोट क्यों देना है? क्योंकि वो चोरों को अल्फाज मुंह में रखने हैं, बाहर नहीं निकालने। आप बात करेंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को भाई। इमरान खान को जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह यार इमरान खान में लीडर हमें भाई? वो है कोई और लीडर तो दिखाए ना जिसको वोट दें हम। यार ये सारे उनके साथ आज निकल, ये सब लोटे हैं, ये किधर लीडर है? आपको वो लीडर क्यों लगता है? बस वो लीडर है, हम मानते हैं उसको। साढ़े तीन साल में क्या काम किए उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम उसने किए हैं। शऊर दिया, सबसे बेहतर ये है कि वाम को शऊर दिया उसने। सबसे बड़ी चीज ये शऊर देना। हाँ तालीम सबसे बड़ी चीज है। तो तालीम वो चल रही है, तालीम के लिए उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन एक बात माने आप, आज तो वो जेल में पड़े हुए, तो वो कैसे आपको लगता है? आएंगे आएंगे यार, आएंगे इंशाल्लाह, एक दिन आएंगे। आपका आपका एक ही मंसूरा, आपने वोट देना है तो इमरान खान को, उसके अलावा किसी को नहीं देना? जी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को जी, इमरान खान पक्का वोट आप? जी पक्का इंशाल्लाह। भाई जान आपने किसको वोट देना है? इमरान खान को भाई। क्यों यार इमरान खान को? यार वो बस अच्छा है, बहुत अच्छा लीडर। जी बिल्कुल सब बेहतर है सर उसके दौर में, इंशाल्लाह सब बेहतर हुआ है। सब बेहतर हुआ जी बिल्कुल। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद उसने पेट्रोल सस्ता दिया, आवाम को रिलीज दी। अच्छा। और हम वोट क्यों ना से दे? जी भाई किसको वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों यार इमरान खान को वोट क्यों? इमरान है ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर? यस। कैसे ग्रेट लीडर है भाई? उसकी हुकूमत में हर चीज महंगी नहीं थी हुई, ठीक है? नून लीग हुकूमत में हर चीज महंगी हुई है, वो क्यों फिर महंगी हुई है बताएं जी? क्या कह रहे हैं आप? सबसे कुछ वाले मसला नहीं है, बात करें। सबसे कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? एक मिनट बात सुने, बात सुने। ये इमरान खान से इतनी मोहब्बत क्यों है आप जलसों में? इमरान खान हमारा लीडर है, उसने उम्मत मुसलमान को जो है वो शऊर दिया है। और इंशाल्लाह जितनी यूथ है, ये कोई वो 50 या वो 55 साल के नौजवान नहीं है जिन्हों के दिलों से भुट्टो का वो जो जुलून था ख़त्म हो जाए। ये जो यूथ है, ये जवान है, ये 20 साल है, और इसकी अगले 50 साल तक इमरान खान का जो इस नस्ल में रहेगा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अब जरा ये भी बताएं हम खड़े कहां पर हैं? हम जो है जो इधर आज एक छोटी सी जो पार्टी बनी है पाकिस्तान तरीके इस्लाम है पाकिस्तान जीरो शरिया, जो जीरो शरिया है उसकी जो आज पार्टी बनी है उसके आज हम जलसे में आए हैं। हम तो उसके जलसे में नहीं आए, हम तो उसका तमाशा देखने के लिए आए हैं। ये जो जलसा उन्होंने ये जो जलसा किया ये एक तमाशा है। ये हम तमाशा जो हमारी कुछ मजबूरियां थी, हमारे जो हल्के के लोग हैं, हल्के के कैंडिडेट हैं, उनकी कुछ मजबूरियां थी, वो हमें लेकर इधर आई हैं। लेकिन ये तो जीरो थे, हमारे लीडर ने इनको पार्टी में से ही कहा निकाला है, ये जीरो हैं। तो जीरो लोग को हमारा लीडर तो नहीं मानता। आठ आप सबसे एक ही सवाल फिर चलता हूँ, 8 फरवरी को वोट किसका? इमरान खान। और कर लो माइनस आप इमरान खान। ये जो लोग ये इनका मंशूर किया है, इमरान खान आया था, जब इमरान खान आया था अफजाबाद कॉलेज में, इनका हक्का ओथे रख दे जलसा, एक गांव में जलसा रख के अब आवाम क्या दिखा रहे हैं? एक गांव पे रक्षा लगा के क्या दिखा रहे हैं? एक छोटी सी जगह इमरान खान कॉलेज में जलसा किया था, दुनिया आई थी, दुनिया बाहर भी, दुनिया अंदर भी, दुनिया करोड़ों के हिसाब से दुनिया। इमरान खान अफजाबाद न 400 बेड के हॉस्पिटल देख गया, यूनिवर्सिटी देख गया।
पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, ये जलसा का आपको दिख रही होगी, कैमरा मैन साहब थोड़ा ऊपर कीजिए और दिखाइएगा कि ये आपको क्राउड आपको भरा हुआ नजर आ रहा होगा, मगर इसकी हकीकत जरा आपके सामने रख दूं। थोड़ा पीछे चलेंगे हम और मेरे साथ साथ आ जाए जनाब। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो मेहमान हैं, जो एमपीएस वगैरह हैं, वो तमाम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा और आगे आ जाए, आए जी आए, आगे आ जाइएगा जी। उधर वाला ये वीआईपी जगह है जहाँ से जहांगीर तरीन साहब आएंगे। आ जाए थोड़ा सा आगे, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। उधर वाला ये वो जगह है जहाँ से जहांगीर तरीन साहब गुजरेंगे और फिर जलसा गाह की तरफ जाएंगे, जो कि अभी इस वक्त तक मौजूद नहीं आएंगे। बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आगे आइएगा जरा, और अब आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ। इस तरफ आइएगा जी, ले जी नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह जी, आए जी इधर आए, इधर आए। ये है हकीकत जनाब, आगे तमाम ये मनाज़िर दिखाइएगा और इधर आइएगा भाई, इधर मुकामी लोग आइएगा। मुझे नहीं पता ये क्या है भाई, ये क्या है, ये चावल कहते हैं सी इसको, मुंजी कहते हैं, मुंजी कहते हैं, चावल बनेंगे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल चावल बनेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई ये कितना एरिया दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा एरिया दिख रहा है। जलसा गाह का कितना एरिया दिख रहा है? बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो रास्ते ब्लॉक करके ब्लॉकेज लगाई गई, इसको क्या समझते हैं आप? इसे जलसा समझते हैं। इस्तखामे पार्टी का? बिल्कुल इस्तखामे पार्टी। आगे चलेंगे जी, ओनली पीटीआई, पीटीआई, पीटीआई। आगे मैंने जिस रास्ते पे खड़े हो वहाँ जहांगीर तरीन आने वाला है। नून लीग जिंदाबाद। अच्छा, आप किसके साथ हैं जी, आप बता दें। हम आपके साथ हैं, पीटीआई के साथ हैं। हम पीटीआई, पीटीआई के साथ। आप किसके साथ हैं जी? पीटीआई के साथ हैं हम। तीन पीटीआई के कल्ला नून लीग खलोता है और जो इस्तखामे पार्टी सपोर्ट करता पे अले। आए जी जनाब, थोड़ा सा मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये तो मुकामी लोगों की बातचीत हो गई, अब ये तमाम आप जगहें देख सकते हैं। ये जो आपके सामने ये चावल हैं और जो खेती जगह की जाती है वो तमाम जो चीज़ें आप वो देख सकते हैं। और ये बंद कर दिया गया शटर, आप देखें जरा, और ये कितना बड़ा एरिया खाली है, जरा आप दिखा सकते हैं, कैमरा मैन साहब दिखाइएगा कितना बड़ा एरिया ये खाली है। और आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने मनाजिर हैं। आइए थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँ, और आगे आए, और आगे आइएगा, आगे आए जी, आगे आए, आ जाए जी, कैमरा मैन साहब थोड़ा आगे आए, आगे आए, आगे आ जाए। अब नाज़रीन किराम मैं दोबारा जलसा गाह के अंदर एंटर होने लगा हूँ। आइए जी, आपको एंटर होके दिखाता हूँ। ये नाज़रीन किराम मैं जलसा गाह के अंदर एंटर हो गया हूँ, कैमरामैन साहब आ जाइएगा। ये रहा जी जलसा, हकीकत आवाम तय करती है। आगे आए, आगे आए, क्या बात है जी।